नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज़ चैनल में, जहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जापान से जुड़ी असली जबरदस्त और धुआंधार खबरें। तो पहली खबर आती है फुकुशिमा से। जापान में जो हाई स्कूल रहता है ना, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं का, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन में क्या हुआ था, उनमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। टाइपिंग मिस्टेक जैसे ऑप्शन होते हैं ना, एक क्वेश्चन ले दिया कौन बने करोड़पति टाइप, उसमें था कि अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर लो। तो जैपनीज में उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी, जैसे अते हमारू रहता है कि इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट या ठीक लगता आंसर उसे टिक कर दो, पर उसको अते हमारू की जगह अते महारू कर दिया था, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अप्रोप्रिएट को आर हटा के टाइपिंग मिस्टेक करके एल लिख दी, तो अप्रोप्रिएट लिख दिया उसने। तो जैसे पर पता तो है सबको कि भाई अप्रोप्रिएट ही होगा। स्कूल की जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा कि ये भाई हमारी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से बच्चों ने बवाल मचा दिया कि हमें तो समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है, हम तो भैया सटीक जवाब देते, जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिखेंगे आंसर में भी। तो उनको फिर सबको एक एक पॉइंट, जैसे एंट्रेंस एग्जाम में पॉइंट मिलते हैं, सबको उस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट सबको फ्री में मिल गया। तो जैसे जिसको 40 नंबर वाला पास होगा या फिर उस पॉइंट पर एडमिशन होगा, सीट पक्की रहती है, लिमिटेड सीट रहती है, तो उसका तो भैया उसने गलत भी आंसर दिया होगा, भगवान की दया से सट करके उसका एडमिशन पक्का। वो तो कह रहा होगा सही है टाइपिंग मिस्टेक रोज करा करो। तो अब लेते हैं दूसरी खबर, स्टूडेंट की बात हुई तो भाई फॉरेन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया से जो स्टूडेंट आते हैं, किसी और देश से जो स्टूडेंट आते हैं, तो पिछले नवंबर से तो जापान में स्टूडेंट और टूरिस्ट सब बंद कर रहे थे, एंट्री बंद कर रखी थी बॉर्डर पे। तो पहले साल में जापान में 64,000 लोग आते थे जिन पे लॉन्ग टर्म वीजा, टूरिस्ट नहीं लॉन्ग टर्म वीजा, जहां पर रहते हैं ऑलरेडी। और वैसे स्टूडेंट का भी 1 साल 2 साल 3 साल या यूनिवर्सिटी का तो 4 साल का वीजा रहता है ना। तो ऐसे लोग जो पहले 64,000 एक दिन में आते थे ना जापान में, फिर ये रिस्ट्रिक्शन की बात हो गई थी 3500 मात्र। तो फिर सरकार ने थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी आसान कर दी, उसके बाद कर दिए थे ये टोटल 5000 लोग आएंगे सिर्फ जापान में एक दिन के। तो जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है किशिदा जी, उन्होंने बोल दिया कि भैया स्टूडेंट की भी प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमको, क्योंकि स्टूडेंटों का साल खराब हो जाता है अगर ऐसे काम चलेगा। तो इकॉनमी में जैसे बिजनेस वीजा टूरिस्ट वीजा तो आ नहीं रहे, तो कम से कम स्टूडेंट तो आए, कुछ तो इकॉनमी रन हो। तो अब खोल के उसको कर दिया 7000। तो अब एक दिन में 7000 स्टूडेंट जापान में आ सकते हैं, इंडिया के हों या किसी और देश के हों। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई की बात पर अगली न्यूज़ ये है कि जैसे जो जापान में जो TITP वाले जो स्किल्ड लेबर का जो वीजा होता है, वो जब आते हैं ना जापान में, तो यहाँ पर उनकी जापानी इतनी ठीक नहीं होती, तो उनको यहाँ पर परेशानी होती है। तो इस चीज को लेकर सरकार ने भैया बोला है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक से स्मूथ नहीं चल पाता। तो उन्होंने क्या करा है कि जैसे जो यूनिवर्सिटी है जापान की, इवाते यूनिवर्सिटी है, जैसे अकिता यूनिवर्सिटी है, यामागाता यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी टोक्यो ओसाका यूनिवर्सिटी नहीं पर फिर भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो ऐसी TITP और जैसे कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो ओल्ड एज होम की हेल्प के लिए जो लोग आते हैं, और जैसे फैक्ट्री वर्कर जो आते हैं, और जो लेबर चिनाई पुताई करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर जो आते हैं, ऐसे ब्लू कॉलर जॉब, ऐसे लेबर जो आते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया से, म्यांमार से, वियतनाम से, तो उनके लिए ऐसे यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके ये यूनिवर्सिटी उनकी पढ़ाई का इंतजाम करेगी भैया, कि तुम्हारा भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। अगली खबर है, जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है ना, तो यूक्रेन में जो जापानीज एम्बेसी के स्टाफ है, उन्होंने बोल दिया भैया यहाँ तो जूता बाजार का कैड़ा, तुम अपनी अपनी जान बचाओ, खाली वाली करो और सेफ अपना जापान वापस आ जाओ, या कहीं और जो डेरा होता है वहां लगा लो, यहाँ खतरे से खाली नहीं है सिस्टम। उसके बाद जापान ने क्या करा भाई, यूक्रेन से जो लोग रहते हैं वहां पर वो तो भाग छूट रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जान बचा रहा है। इंडिया वाले लोग हैं वो इंडिया जाना चाह रहे हैं, हर कोई अपने अपने देश वापस जाना चाह रहा है, और जो यूक्रेन के खुद के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना आश्रय ढूंढ रहे हैं, कोई कनाडा उन्हें बोल रहा है कि यहाँ पर आ जाओ, कोई और देश पोलैंड उन्हें बोल रहा है कि यहाँ पर आ जाओ। तो ऐसे जापान ने बोला कि हम भी बड़ा दिल दिखाएंगे भैया, हम भी चुनेंगे उसमें से 8 टोटल, जैसे लाखों की तादाद रहती है उसमें से 8 टोटल चुन लिए कि तुम आ जाओ भैया, तुम ठीक से लग रहे हो, तुम हमारे देश में आ जाओ, तुम्हें टूरिस्ट वीज़ा दे देंगे 90 दिन का, उसके बाद अपना देख दाख लेना। और वो भी वैसे लोग हैं जिनका कोई जानकार या कोई रिलेटिव जापान में रहता है ऑलरेडी। इसको देख के ट्विटर पर और सोशल मीडिया में तो पब्लिक चढ़ जाती है, गैली उन्हें कर दी कि 8 लोग, अरे भाई जापान क्या तुमने बड़ा दिल दिखा, इतने तो मैं अपने घर में रख लूँ यार, तुम तो एक कंट्री हो, और भी ज़्यादा मदद कर सकते हो। तो भैया युद्ध तो फुल छिड़ा हुआ है, बहुत सारे देश मिलकर यूक्रेन की मदद करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो जापान ने भी भैया छाती ठोक के बोला कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जापान से भेजी जा रही है उनको, सर्दी के कपड़े, हेलमेट, टेंट वेंट, खाने पीने का सामान और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की भैया हाथ करो सैनिटाइज और मार दबा दब गोली ससुरेन में, नहीं मतलब ऐसे नहीं, और पावर जनरेटर्स और कैमरे वैमरे दिए जा रहे हैं। हाँ कैमरे भी दिए जा रहे हैं, पर कैमरा क्यों दिया जा रहा पता नहीं। तो ऐसे में भाई 70 लोग जापानीज जो ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटियरली मतलब अपनी मर्जी से बोला कि अरे युद्ध हो रहा हमें वहाँ भेज दो, हम ससुरेन में मारेंगे गोली दाब दाब के। तो उन्हें बोल रहा कि अरे मान जा, तुम हमारे भी लगवाओगे भी, मतलब कि फालतू में घर बैठो चुपचाप। उन्होंने समझाया कि भैया वॉर तो कभी भी अच्छी नहीं होती, वॉर के अगेंस्ट ही होना चाहिए, हमेशा पहले देख चुके हैं। तो अगला सेक्शन है हमारा जापान की क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ जो रहती है ना, मर्डर, मारकाट, ऐसी न्यूज आएंगी अब। और जो 18 साल से कम है या जिसको जापान से रिलेटेड जो ऐसी खबरें हैं ना ऐसी नहीं देखना चाहते, तो वीडियो को अभी के अभी बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी।
पहली खबर आती है जापान के चीबा प्रीफेक्चर से। वहाँ पर एक कपल था भैया, आदमी का नाम था अकीरा ओनो और औरत का नाम था रीना। शादीशुदा कपल थे। आदमी की एज थी 49 साल 49 ईयर्स और औरत की उम्र थी 32 साल 32 ईयर्स। उन दोनों के बीच में अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट और झगड़ा होता रहता था। मार्च 2020 उससे 2 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था ऑलरेडी, इसी बात पे इनका कलेश बाज रहता था टोटल। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसकी पत्नी हो गई गायब, तो पुलिस ने उसके पति को अरेस्ट कर लिया कि तुम्हारे बीच में क्या कलेश है, तैने वो औरत मार दी। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने बताया कि भैया हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट सा हो रहा था गाड़ी के अंदर बैठ के, तो उसने औरत ने उसकी वाइफ ने एक्स वाइफ ने चक्कू निकाला और उसके बाद उसके ऊपर मारने लगी थी। तो उसने वापस अपने आप को बचा के और फिर झगड़ा पकड़ा हुआ था तो उससे गलती से उसके गर्दन में लग गया था एकदम खच जैसी, हाँ, और उससे वो मर गई। उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, पर उसके बाद उसने क्या करा, इबाराकी प्रीफेक्चर में एक बीच है ना, उस बीच में वो अपनी वाइफ को गाड़ दिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली नहीं। तो फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, उसे पूछताछ हुई, सारे सबूत वबूत मिल गए, तब उसको अब 21 साल की जेल हो गई। अब 21 साल वो अपना जेल में बिताएगा। बढ़िया। अगली खबर है इशिकावा प्रीफेक्चर से। वहां पर एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया जिसका नाम था काजुहिको ओमोते, 34 साल उसकी उम्र है। उसने क्या करा, उसने अपने 80 साल की उम्र के आसपास के दादाजी और 50 साल की उम्र के आसपास अपने पिताजी को बीच पे दफना दिया। अब मारा है उसने नहीं मारा ये पुलिस तहकीकात कर रही है, पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। उससे पूछा कि भैया ये क्या काम कैसे कब हुआ, कह रहा ना 10 साल पहले ही हो गई थी, अगर मैं इनको कहीं और छोड़ देता कुछ करता तो मेरे को और दिक्कत हो जाती, मैं पकड़ा जाता, तो मैंने इनको बीच में दफना दिया ताकि बह जाए, किसी को कुछ पता भी ना चले। 10 साल पहले उसने ये काम कर दिया था। अब बीच में तो लोग जाते रहते हैं, कोई हड्डी मिली कोई कुछ मिला तो पुलिस को किसी ने बता दिया, तो हड्डी वड्डी और उनके डीएनए टेस्ट कराए, तब ऐसे धीरे 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 पता चला कि भाई इस घर के ऐसे दो इंसान जो मिसिंग थे 10 साल पहले, उनकी डेड बॉडी है ये। फिर उनके बेटे को पकड़ा, उससे तहकीकात करी, अब उसको अरेस्ट कर लिया। अब उससे और ज्यादा पूछताछ चल रही कि भाई क्या सीन है, कैसे तूने करा, क्या है ये, तू तो पब्लिक के बीच पर जाना ही बंद कराएगा। अगली खबर है टोक्यो में। टोक्यो में एक दुकान है रशिया की जो सामान वान बेचते हैं, पुटिन के पोस्टर वोस्टर जो टी शर्ट पे पुटिन छप रहा है वो, और पुटिन की चॉकलेट वॉकलेट, वो सामान वान रशिया का कई सारा सामान बेचती है दुकान है, ये पुटिन का प्रचार कर रहा है। इस चक्कर में कई सारे लोगों ने उसके दुकान के बाहर जो बोर्ड वोर्ड लगे थे वो तोड़ ताड़ के फेंक दिए। फिर उस आदमी ने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फोटो वोटो डाल दी, भैया अरे मुझे ऐसा कुछ मत करो, मैं तो अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं चाहता वॉर, और जो यूक्रेन में लोगों की जिनकी जाने भी गई है उनकी याद में हम तो फूल चढ़ा रहे रोज के रोज अपनी दुकान के बाहर, भैया मेरा ये सब काम मत करो, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं तुम सबके ही साथ हूँ। अगली खबर है जो ये साल 2021 था, इसमें जापान में जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, जो कंसल्टेंसी होती है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, उन पे इतने सारे केस आए 83,000 एक साल के अंदर। इसका मतलब दिन के 225-230 के आसपास केस रोज की रोज, मतलब 2021 में जापान में एक दिन के अंदर भैया 220-230 घरों में जूता बाजा टोटल। ये अब तक का जापान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस। अगली खबर है ओसाका प्रीफेक्चर से, हमारे इलाके में मंडल। तो वहां पर एक इंसान रहता था 26 साल का, शूतो साकुराय उसका नाम था। उसने क्या करा, अपनी माँ को चक्कू मार मार के उसकी हत्या कर दी, और फिर जब पुलिस ने पकड़ लिया उसको तो बोल रहा कि ना ना इन्होंने तो अपने आप को ही मार लिया, डिप्रेशन में होगी। पुलिस ने जब फिर तहकीकात करी उसमें देखा कि जो उनके शरीर पर चक्कू के निशान थे वो जो एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में चक्कू के निशान लगे हुए थे। तो पुलिस ने पकड़ लिया कि भाई ऐसे कौन मारेगा अपने आप को चक्कू की, एक यहां मार लेती हूं, अरे इसमें तो मजा आसान आया, यहां और मार लेती हूं इससे मरूंगी, और यहां मार लिया। सीसीटीवी फुटेज उसकी अपार्टमेंट की निकाल के देख ली। उसने क्या करा, उस वारदात के बाद बालकनी से कूद के जंप मार ली, अपने हाथ पैर खुद भी तोड़ लिए। उसके बाद फिर उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और इलाज अब उसका पूरा हो चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या कलेश है, कैसे बताएगा, नहीं बताएगा, तुझे मारे पीटे तब बताएगा। अगली खबर है जापान के साइतामा प्रीफेक्चर से। वहां पर 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करा, क्यों, क्योंकि उनका जो फ्लोर था ना नीचे, जब पुलिस ने फ्लोर हटाया तो उसमें से एक 5 साल के बच्चे की लाश मिली। वो 5 साल का बच्चा, उसकी माँ थी, उसका नाम था काकीमोतो। उस बच्चे को वो चाइल्ड केयर स्कूल में जाता था वो, तो जब वो चाइल्ड केयर स्कूल से जनवरी से जाना बंद हो गया था तो उसके चाइल्ड केयर वाले उसके घर आए कि भैया बालक तुम्हारा स्कूल नहीं आ रहा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। उसकी माँ ने उन्हें बोला कि अरे वो तो अपने रिलेटिव को वहाँ गए, मौज ले रहा, फुल कोई टेंशन नहीं है, तुम टेंशन मत लो, अपना जाओ बढ़िया अपना काम वाम देखो। जो चाइल्ड केयर वाला जो उसका स्कूल था, उन्होंने सिटी ऑफिस में बोल दिया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, 2-3 महीने हो गए बालक स्कूल नहीं आ रहा, जरा तुम अपने घर वाले देखो, चेक कर लेना। अब जब उन्होंने फिर पुलिस को बोला, पुलिस ने जब घर पे चेक करा, पुलिस तो भैया 2 मिनट पे भाप लेती है चाहे कहीं की भी हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन्होंने घर की तलाशी ली, तहकीकात करी, उनसे पूछा पूछा तो पता चल गया भैया बालक तो जान से मार दिया और जमीन के नीचे गाड़ रखा है। अब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और अब से पूछताछ चल रही है कि भैया क्यों किया, कैसे करा, क्या कलेश था। अगली खबर है जापान के कोबे प्रीफेक्चर से। यहीं पर मेरे घर के पास ही है। तो यहां पर क्या हुआ, एक फुकाए नाम का स्टेशन है, वहां पर एक आदमी था 44 साल का जिसका नाम था ताकेशी साकामोतो। वो बाहर से कहीं से कूद फांद के रेलवे लाइन पे आ गया और उससे 1.5 किलोमीटर चल के स्टेशन के पास दीवार रहती है जैसे ट्रेन जाती है सर, उसके साइड में जाके बैठ गया और 1.5 घंटा वहां से बैठा रहा, हिला ही नहीं। फिर ट्रेन स्टाफ ने देख लिया, उसको पकड़ लिया कि भैया बाहर निकलने से, वहां से वो चिल्ला रहा कह रहा मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ यहाँ,
तो ट्रेन स्टाफ आ गया, पुलिस आ गई, उन्होंने बोला कि अरे तुझे बनाते हैं हम कबीर सिंह आशिक, बीवी को कैसे ट्रेन में घुस के ही मिलेगा यार, कोई फोन कर ले, कोई मैसेज कर ले, स्टेशन में बाहर मिल ले, ये क्या तरीका है। तो उसकी वजह से दो दिन पहले 90 ट्रेनों का टाइम जो है वो जापान में लेट हो गया और 10,000 पैसेंजर्स जहाँ पर जो जाने वाले थे अलग अलग ट्रेन में लगे वो लेट हो गए। और जापान में ट्रेन लेट होना बहुत बड़ी बात होती है, अब इस पर इतना फाइन लगेगा ना, इसको अकल आ जाएगी। खैर ये सब चीज़ देख के यार यही समझ में आता है कि हमको ये सारे क्राइम व्राइम नहीं कर रहा है, इनसे इतना हो सके दूर रहना। तो कभी कोई गुस्से में, कभी कोई इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में कोई क्राइम करने का या लड़ाई झगड़े करने का मन करे तो अवॉइड कर देना, क्योंकि लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। ओ बुप्चिक बुप्चिक बम बम।